श्री कृष्ण कहते हैं, पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हर हार भी हरा नहीं सकती। सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर विदा हो जाती है। सफल होने के 3 नियम खुद से वादा, मेहनत और ज्यादा और से भी ज्यादा मजबूत इरादा। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग आपके अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जितना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे या उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किसने कहा किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाले तय करता है। जो अधर्म के रास्ते पे नहीं चलता उसका विजय उसी के साथ होता है जो सत्य के रास्ते पे चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपका धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी है। यदि आप ये दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। संघर्ष के समय में निराश ना हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है।
संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। आप अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्हें पूर्णता निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए, इससे हम अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता का साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता तो उसके पास नाम तो नहीं होता है पर सांसें नहीं होती। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को समझने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी की सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने के पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छिन्न हो जाने पर भाग भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है।
मनुष्य हमेशा अपने भाग को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग से भी ऊंचा उसका कर्म।